किसी भी स्टेज पे ऐसा लगा लग रहा था बाहर से कि टाइट मैच है, आप लोगों को कभी भी ऐसा लगा कि भाई मैच वाकई में जा सकता है उधर? सर पूरे 10 ओवर के बाद टाइट ही टाइट मैच था तो हाँ, ऐसे मैच में कहीं भी जा सकता है, बट जिस तरह से हार्दिक ने बैटिंग की और जड्डू ने बैटिंग की तो आई थिंक काफ़ी अच्छी बैटिंग थी कि हम लोग मैच जीत गए। बट ऑनेस्टली मैच 50-50 था लास्ट, जब तक मतलब हार्दिक ने जाके रन बनाया उससे पहले बिल्कुल 50-50 था और हम लोग भी यही प्रे कर रहे थे कि वो रन बनाए, बट हाँ डेफिनेटली मैच 50-50 था। आपने 10 ओवर के बाद काफी करीब करीब था मैच, पर 10 ओवर से पहले व्हेन अर्ली ऑन यू टुक बाबर्स विकेट, तो आपको लगा कि हाँ जी आधी पाकिस्तान की टीम यही आउट हो गई बिकॉज बाबर सबसे ज्यादा स्कोर करता है पाकिस्तान के? नहीं बिल्कुल, वो स्कोर करते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं सोचा था कि आधी टीम आउट हो गई है, क्योंकि टेक्निकली और 9 बैट्समैन बचे थे वो भी सब अच्छे बैट्समैन है। एज अ टीम हम लोग ये नहीं सोचते कि अगर उनका बेस्ट बैट्समैन आउट हो गया तो आधी टीम आउट हो गई है, बट डेफिनेटली उन्हें आउट करने के बाद लगा कि हाँ उनका जो एक एंकर का रोल प्ले करता है वो कहीं ना कहीं उनका डिस्टर्ब होगा, तो आई थिंक उन्हें वापस बिल्डअप करना पड़ेगा। नहीं वही, जिस तरह से विकेट था आई थिंक बॉलिंग फर्स्ट ही अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि विकेट में थोड़ी ग्रास थी और ग्रास जो पैची थी आई थिंक जो बैट्समैन के लिए बहुत सूटेबल नहीं थी, तो वो रीज़न था कि हम लोगों ने पहले बॉलिंग की। I'm very happy with the performance, not just the wicket. I mean, yes, when you get the wicket, you always feel happy and you contribute to the team. But sometimes just bowling economically is also, contribution to the team. And when you get wicket, you always, add an extra thing to that. But it's not just me, the way Hardik bowled, the others bowled. I think it was a complete bowling performance. भी हार्दिक की फिटनेस जिस हिसाब से इम्प्रूव हुई है बैटिंग बॉलिंग, आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में भी टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक होंगे? ये बिल्कुल होंगे, जिस तरह से वो बैटिंग बॉलिंग करते हैं और अभी जो करते आ रहे हैं पिछली कुछ सीरीज से, तो मैं तो यही प्रे करूंगा कि वो ऐसी ही परफॉर्मेंस करे वर्ल्ड कप में भी और हमारे लिए भी अच्छा होगा, और इसी फॉर्म में रहेंगे तो ऑफकोर्स अच्छा ही होगा हमारे लिए। ये इधर से बैट्समैन को आउट थिंक करना ये बात, क्योंकि आज जो आपने बाबर की विकेट निकाली वो महेश्वर कुमार नॉर्मली लाइन लेते हैं, स्टंप टू स्टंप करता है, ये थोड़ा आउट थिंक करना ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ये बड़े मैच में? आई थिंक बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी बॉलर के लिए या किसी भी बैट्समैन के लिए, क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि सब लोग एज्यूम करते हैं या प्रोएक्टिव जो हम एक बात करते हैं वो एज्यूम करते हैं कि बैट्समैन ये करेगा या बॉलर ये करेगा, या विकेट में स्विंग सपोर्टिव नहीं था तो आई थिंक जो बाउंस आता था तो वो चीज़ थी, तो आई थिंक वही है कि आप प्लान करते हैं, आपको बैट्समैन के बारे में पता रहता है पहले से कि बैट्समैन की ये स्ट्रेंथ है, और जब आप एक दो बॉल डाल चुके होते हैं तो विकेट से और पता लगता है, तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि सोचना गेम के बारे में एक उतना ही जरूरी फैक्टर है जितना आपके पास स्किल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बॉल, उस बॉल में आप जो लास्ट मैच भी आप खेले थे जब इंडिया अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं ले पाई थी, तो उस चीज को के बारे में उस मैच पर आज आप खेल रहे हैं, उस चीज को पीछे छोड़ के और इस मैच के लिए फ्रेश तैयारी करके आना और फिर चार चार विकेट ले जाना, हाउ डू यू फिर पुराना पास भूल के आज पर फोकस करते? नहीं, जब वो वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो हम सब भूल गए थे वहाँ पे, आई नो कि सब लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि इंडिया पाकिस्तान में लास्ट हम लोग हारे थे वो प्रेशर रहेगा, बट ऑनेस्टली एज अ क्रिकेटर या एज अ टीम हम लोग वो नहीं सोचते कि लास्ट मैच हम लोग हारे थे, वो हम आप लोग को याद है पाकिस्तान से आ रहे हैं बट हम और टीम से भी मैच आ रहे हैं, अगर किसी और टीम से सीरीज होती है वो तब हम बात नहीं करते क्योंकि इतना हाई प्रेशर वाला मैच है तो हम लोग बात करते हैं, बट एज अ टीम एज अ प्लेयर हम लोग वो चीज़ पीछे छोड़ के हर नेक्स्ट सीरीज की तैयारी करते हैं, नेक्स्ट मैच की तैयारी करते हैं, हम लोगों ने जो आगे प्रिपरेशन की वो इस तरह से की कि हमें इस सीरीज में अच्छा करना है, जो वर्ल्ड कप में हो चुका वो हम सब भूल गए थे। Rohit mentioned that in the last few years you guys have played quite a lot, so you're very familiar with the pitches. But this is a different time; the weather conditions are much more different, and I feel the dew is less. What did you think? Did you think that the pitch played as you expected, or it was just completely different? No, it played as we expected. The way pitch looked, I think it played exactly the way we expected. And yes, definitely there wasn't any dew in the World Cup. When you lose the toss, I think. I wouldn't say half of the match, but yes, most of the match, the majority go towards the who wins the toss. So yes,
conditions are quite different from the World Cup now. So if even if you lose the toss, that there is not any due. So you can, you know, come back in the second inning as well. When you prepare for opponents, do you look at how much of importance do you give to data and how much of importance do you give to video analysis, and those are the factors? No, we do give importance to all those things. I mean, not so much importance, but we consider that, you know, that particular batsman scores, you know, a percentage of run in this area or this particular shot. So yes, we do consider that, and accordingly we plan a strategy against the batsman, and that also includes the ground dimensions of where we're playing. In the last two questions, yes sir. Okay, how did you adapt to this heat and practice for this kind of spell? What did you do exactly? Especially for the heat, it's not the preparation on the ground. I think it's a basic thing which trainer and physios tell us to do. I think hydration is the one thing. So I think that's what we've been doing. But honestly, you cannot prepare for these heat till you play the match. So we've been preparing for the match. But still, when we went onto the field, it was pretty tough for us. So yes, when you play a couple of matches, then you get used to of these heats. These new rules in terms of over rates and the fact that you utilize to have one person inside the ring, you were the beneficiary in West Indies again this evening, but India ended up pulling three overs short. Yep. Is that something that you discuss a lot in the dressing room, and why do we end up pulling three overs short? No, we do discuss, definitely. I mean, it's one of the points where you can win or lose the match. So today we were lucky that even Pakistan was short in the last three overs, so it was evenly poised them. But yes, we always talk about the run rate, because even in the final of the Asia Cup or even the World Cup, if this happens, we can lose the match, and that's not the nice way to lose the match. So we always address these things, and definitely this thing will be addressed in the next meeting we'll have. Final question. जब आपका पावर प्ले खत्म हुआ था तो प्रेजेंटेशन में आपने कहा था कि इंडिया को बैटिंग में जाकर पावर प्ले अच्छे से खेलने एक्सपेक्ट करे थे कि नसीम शाह कम एज का बॉलर और डेब्यू कर रहा है, इतनी अच्छी बॉल डालेगा? नहीं, बिल्कुल, अगर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो अच्छे बॉलर होंगे. तो आप लोग हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सामने खेल रहा है अच्छा ही बॉलर होगा, जिस तरह से उन्होंने पहले ओवर में भी विकेट लिया. तो बट एज अ बैटिंग टीम हम लोग यही, या बाहर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर हम वो पहले छह ओवर अच्छे खेल जाएं, उसमें कम विकेट दें, तो आई थिंक हम बाद में वो कवर कर सकते हैं. वर्ल्ड कप के बाद से अब तक हमने देखा है कि आप लगातार बेहतर भी कर रहे हैं, मैन ऑफ द सीरीज भी जीते हैं, वहां पर एक मैच और वहां से यहां तक का सफर, थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं आप? मतलब हमने आपको अलग अलग स्टेजेस में देखा है, लेकिन ये अगेन ऐसा लग रहा है कि वो 2017-2018 वाले भुवनेश्वर कुमार वापस आ रहे हैं. ऑनेस्टली मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया. आई थिंक वो एक मैच अच्छा नहीं गया, किसी के साथ भी होता है, बट उसके बाद वापस मैं पहले करता था वही चीज़ें, कि वही सेम प्रैक्टिस, सेम रूटीन, सब चीज़. आई थिंक यू नीड अ बिट ऑफ लक. तो आई थिंक लक ने फेवर किया, अच्छी परफॉर्मेंस हुई, सब चीज़ें मेरी तरफ गई. बट ऑनेस्टली मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया कि जो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने चीज़ें की थी. आई थिंक जो जनरली हम बात करते हैं एज ए क्रिकेटर की, वो सेम बोरिंग रूटीन, वही सब किया, वही सब चीज़ें चलती रही. आई थिंक सच तो यही है. बाबर बहुत अच्छी फाइट की टीम में, जब 18वां ओवर जा रहा था तो क्या थिंकिंग थी? आप रिजवान और शादाब से मशवरा कर रहे थे, क्या समझते हो टर्निंग पॉइंट था? बड़ा आपने बोल्ड डिसीजन लिया नसीम से होकर. बिल्कुल, हमने बस यही प्लान था कि हम जितना गेम को डीप लेके जाएं उतना अच्छा, और जिस तरह नसीम ने बॉलिंग कराई वो काफ़ी अच्छा था, और स्टार्ट में भी उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, क्रूशियल विकेटें लेके दी, और डेथ में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की. अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन मेरे ख्याल से नवाज के भी को भी क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह उसने वो लास्ट ओवर किया, प्रेशर गेम थी, और जिस तरह हम ओवर द नाइन नहीं हुए. बाबर बैटिंग में हम कहाँ चूकते, क्या तेज खेलने की चाह में हमने जल्दी विकेटें गवा दी, या कंडीशन मुश्किल थी, या इंडिया के बोलर बहुत काम कर रहे थे हमारे लिए? डेफिनेटली देखें, पार्टनरशिप नहीं लगी मेरे ख्याल से. जिस तरह पार्टनरशिप लगती है तो थोड़ा सा प्रेशर आता है दूसरी टीम पे. वो छोटी छोटी पार्टनरशिप लगी, एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी 50 रन की, तो वो थोड़ा सा हमने मिस किया. और आखिरी जो ओवर्स थे मेरे ख्याल से वैसे यूटिलाइज नहीं किए, लेकिन टेल ने जिस तरह स्पेशली धानी और हारिस ने चप इन किया थोड़ा रन, और वो काफ़ी हमारे लिए फाइट बैक के लिए काफ़ी थे, लेकिन उसके बाद फाइट हमने काफ़ी अच्छी. अगर आप नसीम शाह को बहुत खेलते रहिए,
देखें फास्ट बॉलर हमेशा ही पम्प्ड अप रहता है और एग्रेशन रहता है उसमें और देखें जिस तरह उसने स्टार्ट किया बिल्कुल हमने शाहीन को काफ़ी मिस किया लेकिन उसने उसकी कमी महसूस होने नहीं दी और जिस तरह उसने न्यू बॉल किया और उसके बाद जो डेथ में किया वो काफ़ी अच्छा था। डेफिनेटली विकेट पे थोड़ा सा डबल पेस था और कल के मैच को भी देख के हमने कोशिश यही थी कि अगर हम टॉस जीते तो हम भी बॉलिंग करते और वो हुआ नहीं लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि अगर टॉस हार गए या हमने पहले बॉलिंग नहीं की तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा रन शॉर्ट थे। लास्ट टूर्नामेंट यहाँ जो हुई थी वो बिल्कुल जो टॉस जीता वो मैच जीता ऐसे हुई है लेकिन आज वो जो खौफ था वो निकल गया शायद या आपने ज़्यादा अच्छा खेला? नहीं खौफ तो कुछ नहीं है डिपेंड करता है कि आपकी एफर्ट में आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एफर्ट करते हैं। टॉस देखें टॉस मैटर इतना नहीं करता आपकी एफर्ट मैटर करती है। आप कुछ ऐसा भी होता है कि आप 120 में भी जीत जाते हैं और 150 में भी हार जाते हैं तो ये पार्ट ऑफ द गेम है लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह टीम ने एफर्ट किया वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी टी ट्वेंटी क्रिकेट में फॉर्म है एक बड़ा डिफरेंस करता है वो इंडिया के पास एक बड़ा एडवांटेज। डेफिनेटली जिस तरह वो बॉलिंग में भी उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और बैटिंग में जिस तरह उसने फिनिश किया मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है और जिस तरह उसने फिनिश किया वो काफ़ी अच्छा रहा। जी शायद भी लास्ट सिर्फ क्रैम्प है देखें प्रेशर मैच होता है और जो भी है अभी डेब्यू हुआ और उसके लिए एक काफ़ी बड़ा मैच था और जिस तरह मेरे ख्याल से वो उसका कॉन्फिडेंस था जिस तरह उसने अपनी एग्रेशन दिखाई है ये तो मेरे ख्याल से ये तो प्रेशर में क्रैम्प्स आ ही जाते हैं।